आज हम फॉरेस्ट एंड वाइल्ड रिसोर्सेज का चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। और जो हमने अगर पहला चैप्टर किसी मतलब पढ़ लिया है तो बहुत अच्छा है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का। उसको क्योंकि रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के बाद ही हमें पता चलेगा कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड रिसोर्सेज की हमारे हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है और इन रिसोर्सेज का क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। और अभी जो अभी फर्स्ट पैराग्राफ में इन्होंने थोड़ा सा दिया हुआ है, अभी हम गॉड ही क्रिएटर है जो वो उसका म्यूजिक का, और जो ये जो ज्यादा म्यूजिक मिल रहा है हमें उनसे, जो नहरें हैं और पेड़ पौधे हैं और जंगल हैं और इंसेक्ट्स और एनिमल्स के द्वारा भी ये हम इकट्ठा करके तुझे ही ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। और अभी हाँ फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ देखते हैं इसमें क्या है, ठीक है। इसमें ये कह रहे हैं भी जो अभी हमारा प्लेनेट अर्थ है इसको हम शेयर कर रहे हैं जो सभी जो जीवित वस्तुएं हैं उनके साथ, हम सब जो छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके प्लेनेट जो बैक्टीरिया बैक्टीरिया से लेके लीचन लीचन से लेके बड़े बड़े ना ट्रीज और एलिफेंट्स के साथ, इनके साथ अभी जो हमारा प्लेनेट है इनके साथ हम सभी शेयर कर रहे हैं, ठीक है। और जो इसमें लिखा हुआ है ना लीचन्स, लीचन्स का वो होता है भी एक कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म जो होती है टू ऑर्गेनिजम्स की के साथ बनती है। इसमें भी ये फंगस और एल्गी के द्वारा ना ये जब इकट्ठे काम करते हैं तो उसको लीचन्स कह देते हैं। बनाना ट्रीज जहाँ से हमें बनाना मिलते हैं, एलिफेंट्स, ठीक है। दिस अभी इन्होंने सेकेंड लाइन है जो दिस एंटायर हैबिटेट दैट वी विल हैज इमेंस बायोडायवर्सिटी। हैबिटेट मतलब हैबिटेट का मतलब ये यहाँ पे ये कह रहा है जो हमारा निवास स्थान है जहाँ पे मतलब हम जो ये हमारा सारे सभी का निवास स्थान है, इसमें इमेंस बहुत विशाल बायोडाइवर्सिटी रह रही है। और जो हम ह्यूमन बीइंग्स हैं विद ऑल ऑल जो ये जीवित ऑर्गेनिजम्स हैं इनके साथ हम एक कॉम्प्लेक्स मकड़ी का जाला का सिस्टम बनाया हुआ है और इनमें हम एक छोटा सा पार्ट है, और हम इन इस पार्ट में भी बहुत एक दूसरे पे डिपेंडेंट है और अपनी खुद की एग्जिस्टेंस के लिए हमें खुद जीवित रहने के लिए भी इन सब पे हम डिपेंडेंट है। और एग्जांपल ले लो आप प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी हैं, जो भी जीवित कीटाणु है या एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, ये हमारी जो हवा की क्वालिटी है इसको हम जो यूज करते हैं इसके बाद ये रिक्रिएट भी यही करते हैं, और जो पानी हम पीते हैं और जो जो मिट्टी सॉयल जो हमारा फूड बनाती है जिसके बिना हम नहीं रह सकते वो भी इनके द्वारा ही है मिलती है हमें। और सॉरी हाँ, और फॉरेस्ट प्ले की रोल फॉरेस्ट हाँ थोड़ा सा आगे चलते हैं। हाँ फॉरेस्ट प्ले ए की रोल हाँ जो हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम है इसमें ये फॉरेस्ट है जो जंगल है जो हमारे ये स्पेशल इनका रोल है कि हम सभी लिविंग बीइंग्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, एक दूसरे के बिना नहीं रहा जा सकता, ठीक है। और अभी इन्होंने बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की डेफिनेशन दे रखी है, ठीक है, इसको पढ़ लेना अच्छी तरह से, हाँ, और समझ भी लेना। वैसे मैं बोल भी देता हूँ एक बार, जो जो हमारा ये विशाल वाइल्ड लाइफ है और जहाँ पे हम खेती करती है खेती हो रही है डाइवर्स फॉर्म में और फंक्शन में, ये सभी एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंसी है एक आपस में इन सभी की, ठीक है। एक दूसरे पे बायोडाइवर्सिटी है मतलब जो भी हम एक दूसरे पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। अभी फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा एंड फौना का मतलब मैंने पहले चैप्टर में भी बताया था, फ्लोरा इज ए प्लांट एंड फौना इज एनिमल, ओके। अभी अब अगर आप एक अपने आले दुआले देखते हो तो आपको कई जानवर मिल जाएंगे, प्लांट्स मिल जाएंगे विच आर यूनिक। यूनिक का मतलब ये है यहाँ पे भी वो उसी पर्टिकुलर एरिया में मिलते हैं और कहीं नहीं मिलते, ठीक
ठीक है। और जो अभी हाँ इनफैक्ट असल में जो इंडिया भी एक रिचेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ वास्ट एरिया ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, मतलब इंडिया में बहुत ज्यादा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, मतलब बहुत ज्यादा जीव है ये रह रहे हैं यहाँ पे। और मतलब 8% है जो टोटल नंबर ऑफ 8% टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज जो वर्ल्ड में प्रेजेंट है उसका 8% इंडिया में ही है। ये इतने मतलब उसकी जो एस्टिमेशन है वो 1.6 मिलियन है, ठीक है। और इसमें ये भी पॉसिबल है, भी हमने अभी तक कई चीजों कई ऐसी भी डाइवर्सिटीज होंगी लिविंग बींग्स की जो अभी तक शायद ना डिस्कवर हो पाई हो। और मतलब इसके जो जितनी अभी तो ये डिस्क्राइब्ड हो गई हैं, और इसका 2 और 2 पॉइंट और 2 टाइम्स और थ्राइस पाइट अभी शायद डिस्कवर हो जाए, ठीक है। और अभी आपने थोड़ा सा डिटेल में पहले फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था होगा वी फॉरेस्ट वाइल्ड रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का मतलब आपको पता ही है, संसाधन है जो, ठीक है, उसके क्या हमारे मायने रखते हैं उसमें, ठीक है, अवर डेली लाइफ में। और जो ये डिवर्स फ्लोर एंड फोन है, मतलब फ्लोरा और फ्लोना इंटरडिपेंडेंट, इंटरडिपेंडेंस मतलब एक दूसरे पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है अवरी डेली लाइफ में के लिए और जो हमें मिली हुई है ये, ठीक है। और जो इसको अभी ये जो हम इसके प्रति इनसेंसिटिव हो रखे हैं ये बहुत आगे स्ट्रेस में जा चुके हैं, वी स्ट्रेस में मतलब भी इनको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, ये कई जगह खत्म होने के कगार पे भी है, ठीक है। और अभी हाँ ये इसमें डू यू नो 81,000 स्पीसीज ऑफ फौना, फौना मतलब एनिमल, एंड 47 स्पीसीज ऑफ फ्लोरा, फ्लोरा मतलब प्लांट, ठीक है, आर फाउंड इन दिस कंट्री सो फार। ऑफ एस्टिमेटेड 47,000 प्लांट स्पीसीज, अबाउट 15,000 आर एंडेमिक। एंडेमिक का मतलब हम आगे समझेंगे, ठीक है, जहाँ पे डेफिनेशन लिखी होगी। इसमें अभी 81,000 स्पीसीज हमारी एनिमल की हैं, 47,000 स्पीसीज हमारी प्लांट की हैं अभी कंट्री में, हम पता कर चुके हैं। और 47,000 स्पीसीज प्लांट स्पीसीज हैं और 15,000 स्पीसीज एंडेमिक, एंडेमिक मतलब खत्म होने वाली है। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। हाँ कुछ लोग मतलब एस्टिमेट लीजिए लगा रखा है हमने भी 10% जो हमारा जो वाइल्ड फ्लोरा जो प्लांट्स हैं, जो प्लांट्स हैं, और 20% मैमल्स, मैमल्स मतलब जान एनिमल्स में आ गई, एनिमल कैटेगरी में वो थ्रेटेंड लिस्ट में है, खतरे के कगार पे हैं, ठीक है। और कई तो ऐसे हैं भी क्रिटिकल स्टेज पे हैं, एंड वो लुप्त मतलब लुप्त होने के कगार पे भी हैं जाके, जैसे लाइक इसमें लाइक ये चीता वगैरह, चीता हो गया, पिंक हेडेड डक, माउंटेन क्वेल, फॉरेस्ट स्पॉटेड ऑलर्ट, प्लांट लाइक मधुआ इनसीन, ये प्लांट्स में आ गई कैटेगरी। ओके अब आगे देखें। और वैरायटी ऑफ महुआ एंड हेबिडियन स्पीसीज, इनफैक्ट नो वन मतलब हम कुछ भी नहीं कह सकते अभी कितनी स्पीसीज अभी हमारे पास जा चुकी हैं। टुडे वी ओनली मतलब जो हमें सिर्फ इसका ये कहने का मतलब ये है कि कई स्पीसीज ऐसी भी हैं जो नहीं दे हम नेक्ड आई से, नेक्ड मतलब जो नंगी आंखों से हम नहीं देख पाते, वो अंडर माइक्रोस्कोप कई चीजें हम देख सकते हैं, ठीक है। वो जो अंडर माइक्रोस्कोप हम चीजें कई देख सकते हैं वो क्या पता कौन कितनी कितनी लुप्त हो गई हैं, हमें कुछ नहीं पता उसके बारे में, ठीक है। और जो हमें सिर्फ विजिबल है, विजिबल एनिमल्स हैं जो प्लांट्स हैं, वो हम उनके बारे में ही कह सकते हैं अभी ये लुप्त हो गए हैं, ठीक है। उनके बारे में तो हमें ये भी नहीं पता भी क्या कितने हो गए हैं। सो यो सो
अभी जो विजिबल है उनके बारे में कह सकते हैं, ठीक है। और अभी आपने इसमें, हाँ, डू यू नो दैट लार्जर एनिमल्स मंगला कितने लार्जर एनिमल्स हैं, 79 स्पीसीज ऑफ मैमल्स। मैमल्स का मतलब ये होता है कि जो अंडे नहीं देते, ठीक है। और 44 ऑफ बर्ड्स, 15 ऑफ रेप्टाइल्स, 3 ऑफ एम्बियंस। एम्बियंस मतलब वो होते हैं भी जो जो जीव पानी में भी चल सकते हैं और जमीन पे भी चल सकते हैं, ठीक है। वो भी अब खतरे के कगार पे हैं। और जो 1500 स्पीसीज एंडेजर्ड कैटेगरी में आ गई हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स एंड वर्टिब्रेट एनिमल्स हैव रिसेंटली एट द रेट ऑफ एस्टिमेटेड टू बी 50 100 टाइम्स एवरी एक्सपेक्टेड एनुअल नेचुरल रेट, ठीक है। और वर्टिब्रेट्स एनिमल्स वो होते हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है, और रीढ़ की हड्डी वाले जानवरों को हम वर्टिब्रेट्स एनिमल्स कह देंगे, ठीक है। और ये सभी लुप्त होने के कगार पे जा चुके हैं कई, और जो मतलब ये 50 से 100 टाइम्स जो इनका लुप्त होने का वो है, वो 50 100 टाइम्स ज्यादा फास्ट चल रहा है एवरेज एक्सपेक्टेड नेचुरल रेट से, ठीक है। और अभी हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, वेनिशिंग फॉरेस्ट। वेनिशिंग जो ये डायमेंशंस हमारे फॉरेस्ट के लुप्त होने के, इंडिया में लुप्त होने के, ये अभी चौंका, जो इनके रिजल्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा चौंका देने वाले हैं, ठीक है। और जो हमारा भारत में और फॉरेस्ट कवर है और जो ट्री कवर है वो 79.42 मिलियन हेक्टेयर, विच इज 24.16% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, ठीक है। जो 79 पॉइंट, अभी ये है, ये 24% है, ठीक है। और इसमें जो हमारा डेंस फॉरेस्ट है, डेंस फॉरेस्ट उसमें 12.2% है, और ओपन फॉरेस्ट है जो डेंस फॉरेस्ट मतलब जो संघना जंगल है, और 9.14% ओपन फॉरेस्ट है। और मैनग्रोव है जी 0.14%। मैनग्रोव फॉरेस्ट वो होता है जो नदी के किनारे जो दरख्त वगैरह नहीं उगे होते, और उनके वो मैनग्रोव फॉरेस्ट में आ जाएगा। और अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ फॉरेस्ट जो अभी 2015 में इन्होंने सर्वे किया होगा, उसमें उसमें डेंस फॉरेस्ट हैज कवर्ड बाय 3775 स्क्वायर किलोमीटर सिंस 2013, ठीक है। ये हमारा 3775 किलोमीटर रह गया सारा। और हाउएवर दिस अपरेंट इंक्रीज इन फॉरेस्ट इज ड्यू टू कंजर्वेशन मेयर्स, मैनेजमेंट इंटरवेंशन प्लांट्स बाय डिफरेंट एजेंसीज। जो ये हमारी डिफरेंट एनजीओ वगैरह हैं, इनकी वजह से ये थोड़ा बहुत अभी हमारा फॉरेस्ट है जो ये का थोड़ा सा संरक्षण हुआ होना शुरू हुआ है, और इसमें बाय डिफरेंट एजेंसीज हैं, ठीक है। और आगे थोड़ा सा इसमें लिखा होगा, ओके, हाँ, डिफरेंट एजेंसी के थ्रू हुआ है। और अभी जो हमारे पास देयर बी भी मतलब एक्चुअल रिपोर्ट तो हमारे पास नहीं है अभी, जो मतलब जो हमारा फॉरेस्ट है, जो ये एक्चुअल फॉरेस्ट था, जो ये तो प्लांटेशन और एक्चुअल जो हमारा नेचुरल फॉरेस्ट था जिसको बिना प्लांटेशन से उगाया गया था, और उसका लॉस और एक्चुअल प्लांटेशन में हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे, कोई भी मतलब जो हमारे गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाई है, ठीक है। अभी थोड़ा सा आगे देखते हैं। हाँ, अभी हम समझते हैं भी जो हमारे विस्टिंग प्लांट्स एंड एनिमल जो स्पीसीज हैं उनकी कैटेगरीज वाइज डिफरेंशिएट करते हैं उनको, और जो ये इंटर जो हमारा इंटरनेशनल लेवल पे संरक्षण का वो है, एजेंसी है मतलब जो इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूट उसको जो स्पीसीज है उनको क्लासिफाई किया हुआ है। नॉर्मल स्पीसीज वो स्पीसीज होती है जिनकी पॉपुलेशन भी नॉर्मल है
और उनका जो सर्वाइव उनके सर्वाइवल के लिए उनकी जो जैसे होगी कैटल होगी ट्री सैल ट्री है पाइन ट्री है रोडेंट चूहे हो गए ठीक है और नॉर्मल स्पीसीज वो स्पीसीज हो गई और एंडेंजर्ड स्पीसीज वो हो गई जिनका मतलब वो अभी लुप्त होने के खतरे के नजदीक हैं और अगर उनका जो उनका मतलब सर्वाइवल अभी डिफिकल्ट है अगर अभी जो करंट नेगेटिव फैक्टर उनका चल रहा है तो वो फ्यूचर में भी अभी कंटिन्यू जो ऑपरेट हो रहे हैं वो उनका जो फ्यूचर है वो इन फ्यूचर में वो खत्म होने के कगार पे आ जाएंगे। ठीक है द एग्जाम्पल्स आर सर और इसमें एग्जांपल्स लिखी हुई हैं ब्लैक बक होगी क्रोकोडाइल इंडियन वाइल्ड एज इंडियन राइनो लायन टेल्ड मैक्यू और लायन टेल्ड मैक्यू होता है जैसे ना मंकी लायन मंकी के होता है और संगल हो गए ठीक है एंटेरिडियर एंड मणिपुर एटसेट्रा ये मतलब अगर अभी कंटिन्यू इनका ऐसे ही ऑपरेट होता रहा इनकी जो पॉपुलेशन है जो नेगेटिविटीज इनके साथ शिकार हो रहे हैं वगैरह सब मतलब जो भी इनके वो एंडेंजर्ड स्पीसीज में आ जाएंगे ठीक है वल्नरेबल स्पीसीज वो स्पीसीज होती हैं अगर अभी वो एंडेंजर्ड स्पीसीज में मतलब जो एंडेंजर में आई नहीं है अभी उनकी पॉपुलेशन तो है पर उनका जो नेगेटिव फैक्टर इतना चल रहा है भी वो फ्यूचर में एंडेंजर्ड स्पीसीज में ही आ जाएंगी अभी तो है पर अगर नेगेटिव फैक्टर का शिकार ऐसे चलता रहा तो वो वल्नरेबल स्पीसीज में आ जाएंगे एग्जांपल है ब्लू शिप है एशियाटिक एलिफेंट है गंगेटिक डेल्फिन है एटसेट्रा ठीक है और रेयर स्पीसीज वो स्पीसीज हैं जो अभी एंडेज अब जो जो अभी अभी उसमें एंडेंजर स्पीसीज में आने ही वाली है ठीक है अगर नेगेटिव फैक्टर्स ऑपरेट होता रहा ऐसे ही उसमें अगर जाएंगी हिमालयन ब्राउन बियर वाइल्ड एसेटिक बफेलो डेजर्ट फॉक्स और एंडेमिक स्पीसीज वो स्पीसीज हैं जो किसी पर्टिकुलर एरिया में ही मिलती हैं उनको हम एंडेमिक स्पीसीज कह देते हैं और सच स्पीसीज आर एंडमन टील निकोबार पिजन एंडमान वाइल्ड पिजन पिग मिथुन इन आंध्रा आंध्र प्रदेश एक्सटिंक्ट स्पीसीज जो अभी हमें जो काफी सर्च करने के बाद भी अभी हमें नहीं मिल रही वो कहाँ थी जो अभी अभी आप स्पीसीज कई ऐसी भी होंगी जो आपके लोकल एरिया में भी एक्सटिंक्ट हो गई हो ठीक है और सच स्पीसीज आर एशियाटिक चेता पिंक हेड डक दीज आर ऑल द कम इन दैट कैटेगरी ठीक है ओके अब एसिडिक चित्ता के बारे में बात करते हैं हाँ जो ये फास्टेस्ट मैमल जो एसिडिक चित्ता था ये फास्टेस्ट मैमल है ये एक यूनिक था भी इसकी जो हमारी कैट फैमिली है जिसमें सभी आ जाएंगे कैट्स के लॉयन वगैरह ऑल आर एक यूनिक फैमिली है ये अकेला ऐसा जीव है जो 112 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है और इसको हमने कईयों ने इसको लियोपार्ड भी समझा बट ये लियोपार्ड नहीं है इसका जो डिस्टिंग्विश है लियोपार्ड वर्सेस अगर हम वो देखें ना लियोपार्ड हाँ लियोपार्ड को और चीते को कईयों ने सेम समझ लिया पर इनके ना इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं इसका ना जो ऑन ईच
its teardrop shaped lines on each side of nose from the corner of its eyes to its mouth. इसमें ये है भी जो जो चीता है चीते के ना जो काले ना जो नोज से ए और नोज इसके ना काले काले से वो होते हैं आंखों से लेके और माउथ तक आंखों से लेके माउथ तक ना काले काले से वो निशान होते हैं उनको क्या है तो वो है चीता और जो दूसरा है वो लियोपार्ड है ठीक है ये हमारे 20 सेंचुरी में भी अफ्रीका और एशिया में है टुडे द एशियन चीता इज ए नियरली एक्सटिंक्ट लुप्त होने के कगार में है ड्यू टू इनका जो निवास स्थान भी डिक्लाइन हो गया है उस वजह से और इनका शिकार भी इनको नहीं मिल रहा है अभी और इसको हम एब्सेंट इन लॉग बैक 1952 में ही कह दिया था इनको हमने उसमें ही कह दिया था ठीक है और जो अभी जो हमारा जी लुप्त हो रहे हैं जो कौन से नेगेटिव फैक्टर्स हैं जिसके कारण ये लुप्त हो रहे हैं अगर हम इनके आले दौले देखते हैं तो हमने देखा है जो हमारा जो प्रकृति है उसमें हमने जो जो रिसोर्सेज हम अवेलेबल रिसोर्सेज ले रहे हैं उन जंगलों से और इन एनिमल और प्लांट से लाइक जो लकड़ है बार्क मिल्टानी पत्ते रबर और ये मेडिसन डाइज फूड्स वाटर्स ठीक है हम जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनसे रिसोर्स ले रहे हैं एक तो ये भी इसका कारण है जो इसके डिप्लीटेड हमारा फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ डिप्लीट हो रहा है और जो ग्रेटेस्ट डैमेज हो रहा है हमारा और इंडियन ड्यूरिंग सबसे ज़्यादा डैमेज तो जो कॉलोनियल पीरियड था जब हम जो अंग्रेजों ने जब राज किया था तब भी हमारा इसमें फॉरेस्ट में काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन होया था तब जो हमारा रेलवे एक्सपेंशन हो रहा था और एग्रीकल्चर कमर्शियल और साइंटिफिक फॉरेस्ट्री एंड माइनिंग एक्टिविटीज़ के कारण भी हमारा ये नेगेटिव फैक्टर है भी जिसके कारण हमारा जो फ्लोरा एंड फौना है ये कम हो रहा है इवन जो आप जो आज़ादी के बाद भी जो खेती के लिए ज़मीन चाहिए उसके वजह से भी जो हमारे फॉरेस्ट रिसोर्सेज है कम हुए हैं और जो बिटवीन 1951 और 1980
26,200 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया था वो हमने एग्रीकल्चर के एग्रीकल्चर लैंड के लिए वर्त लिया। उसमें जो फॉरेस्ट था वो उसका खत्म हो गया और सब्सटेंशियल पार्ट्स ऑफ ट्राइबल बेल्ट्स स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न सेंट्रल हैव बीन डीफॉरेस्टेड और डिग्रेडेड बाय शिफ्टिंग कल्टीवेशन टाइप ऑफ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। जो उसमें जो अभी एग्रीकल्चर में अभी सुना होगा आपने वो जो उसके उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। जो स्लैश बचता है ना आफ्टर कल्टीवेशन, तो खेती करने के बाद जो पार्ट बचता है उसको हम बर्न कर देते हैं, उस वजह से भी काफ़ी कुछ खराब हुआ है। और अभी आर कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसीज टू बी ब्लेम्ड, जो कॉलोनियल जो जो अंग्रेजों ने राज किया अभी उनको हम उनको ब्लेम कर सकते हैं। जो हमारे एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं वो कह रहे हैं भी कुछ स्पीसीज हैं जो हमारी वो उनको प्लांटेशन करने से जो उनकी ही प्लांटेशन हो रही है अभी जो हमें कमर्शियली अच्छी आउटपुट दे और जो अदर स्पीसीज हैं वो एलिमिनेट हो गई हैं, वो नहीं मिल रही हैं और इसकी वजह से जो फॉर टीक मोनोकल्चर हैज डैमेज द नेचुरल फॉरेस्ट इन साउथ इंडिया। चीर पीन है जो एक टाल एवरग्रीन ट्री है भी जो थिन शार्प लीव्स होती हैं इसमें और वो जो सिर्फ उनका ही कि उनको ही हम प्लांट कर रहे हैं ना, अदरवाइज जो जो कमर्शियली हमें इतना अच्छा नहीं आउटपुट देता उनको तो कोई प्लांटेशन ही नहीं कर रहा, पर उनका भी अपनी एक महत्व है ठीक है। और हिमालयन जो प्लांटेशन इन हिमालय हैव रिप्लेस्ड द हिमालय ओक्स, और जो वहाँ पे ओक्स ने ओक को रिप्लेस कर दिया ठीक है इस वजह से। और रोंडेन फॉरेस्ट, रोंडेन एक फ्लावर भी होता है जो नेचुरल जो नेपाल का ना नेचुरल फ्लावर है, रोंडेन टाइप के फॉरेस्ट फ्लावर से फॉरेस्ट होते हैं। जो हमारा नेचुरल ये बताओ ना अपना जो नेचुरल फ्लावर कौन सा है, अपना नेचुरल फ्लावर लोटस है। और अभी हाँ लार्ज स्केल जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं उनकी वजह से भी जो जंगलों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है और जो 5,000 स्क्वायर किलोमीटर रिवर वैली प्रोजेक्ट्स हैं उनकी वजह से भी फॉरेस्ट क्लियर हुआ, जैसे क्लियरिंग ऑफ और अभी जो नर्मदा सागर प्रोजेक्ट था उसकी वजह से भी 40,000 हेक्टेयर जो फॉरेस्ट था वो ख़त्म हो गया। और माइनिंग इज आल्सो अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर बिहाइंड डिफोरेस्टेशन, माइनिंग जो हम खुदाई कर रहे हैं उसकी वजह से भी हमारे फॉरेस्ट को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और बक्सा टाइगर रिजर्व जो वेस्ट बंगाल में है उसको भी खतरे के वेस्ट टाइगर रिजर्व है वो भी खतरे के गवार पे है क्योंकि हम जो डोलोमाइट माइनिंग कर रहे हैं एक तरह से पत्थर है वो भी हमारा जो नेचुरल जो कुदरती निकास निवास स्थान है उनको भी वो ब्लॉक कर रहा है। और जो माइग्रेशन रूट है उसने वो भी माइग्रेशन मतलब जो आने जाने का रास्ता था जो उनको उसको भी हमने ब्लॉक कर दिया। और जो मेनी होल्ड व्यू दैट डिप्लीटेड ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज आर ग्रेजिंग फ्यूल फूड फॉरेस्ट रिसोर्सेज कलेक्शन, जो अभी ग्रेजिंग हो रही है जो जानवर मतलब खा रहे हैं उनको जो प्लांट्स प्रोडक्ट्स ओवर ग्रेजिंग कर रहे हैं और जो हम फ्यूल का एज फ्यूल वुड का कलेक्शन कर रहे हैं उनकी वजह से। और एक इन्होंने एक आर्गुमेंट भी कहा है अभी अगर हम पूरे पेड़ को काटने की वजह से कुछ टानियां काट लें भी उस वजह से भी थोड़ा सा बता ठीक हो सकता है। अभी भी ये आर्गुमेंट चल रहा है वी पूरा ट्री क्यों काटते हो उसको उसका बायो वी थोड़ा सा टानी वगैरह काट लें, लोपिंग मतलब काटना ठीक है। और फॉरेस्ट इको जो अभी हाँ फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स जो ये हमारा फॉरेस्ट
ये भंडार है कुछ वैल्यूएबल परफोरस प्रोडक्ट्स मिनरल्स का, जो हमारी जो करंटली रिक्वायरमेंट्स हैं उनके लिए, और जो एक्सपेंडिंग इंडस्ट्रियल अर्बन इकोनॉमी है उनके लिए. दीज प्रोजेक्टर ये दस मीन डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल एंड देयर इन लाइज द फर्टाइल ग्राउंड फॉर कॉन्फ्लिक्ट्स. ये प्रोटेक्टेड एरियाज हमें डिफरेंट पीपल के लिए, बट मतलब ये भी कन्फ्लिक्ट है. अभी जो जंगली इलाका है ये ज्यादा उपजाऊ है, उपजाऊ होने की वजह से भी इनको काफी लोग इस पे खेती वगैरह भी करना चाहते हैं. और अभी देखो एक हिमालय यू है भी, ये भी एक ट्रबल में चला गया. ये भी हमारे वेरियस हिमाचल और अरुणाचल प्रदेश में मिलता था. ये कैंसर के लिए ट्रीट, इसके जो प्रोडक्ट्स मतलब इसके जो पत्ते वगैरह इनके इनके साथ भी ये कैंसर को ट्रीट करता है. मतलब ये भी अभी खतरे के कगार पे है, जो इसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है. और जो लास्ट में थाउजेंड ऑफ ट्रीज वी ड्राइड अप ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश. ठीक है. और जो है इसका जो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, जो हमारा निवास स्थान है इसका डिस्ट्रक्शन हुआ है, शिकार हो रहे हैं, हंटिंग, पोचिंग, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एनवायरमेंट पोल्यूशन, पॉइजनिंग, फॉरेस्ट फायर्स आर फैक्टर विच हैव लेड टू डिक्लाइन इंडियन बायोडाइवर्सिटी. जो ये सारे फैक्टर्स हैं हमारी इंडियन बायोडाइवर्सिटी को खत्म करने के करते हैं. अदर इम्पोर्टेंट काजेज ऑफ एनवायरमेंट आर अनइक्वल एक्सेस. मैंने बताया था ना भी वो जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसकी वजह से भी हो रहा है, और जो रिसोर्सेज की कंजप्शन इक्वल नहीं हो रही उसकी वजह से भी, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो इक्वली शेयर नहीं हो रही, और जो ज्यादा पॉपुलेशन है ये भी एक बहुत बड़ा कारण है भी जो हमारे एनवायरमेंट का डिग्रेडेशन हो रहा है, कमी हो रही है. और जो एवरेज अमेरिकन है वो कंज्यूम सबसे ज्यादा 40 टाइम्स रिसोर्सिस का यूज करता है देन सोमालियन. और जो इंडियन में भी रिच जो 5% इंडियन सोसाइटी है वो भी कारण है जो हमारा इकोलॉजिकल डैमेज हो रहा है. और दे वो जो पुअरेस्ट का भी 25% ले जाते हैं ना, और जो फॉर्मर है जो वो रिच पॉपुलेशन है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कम शेयर करती है फॉर एनवायरमेंट वेलबींग. और जो आल्सो भी कंज्यूमिंग, बट देन क्वेश्चन इज हु इज कंज्यूमिंग व्हाट फ्रॉम वेयर एंड हाउ मच. ठीक है. और अभी हाँ एक इसमें ये भी है, डू यू नो दैट जो इंडिया में जो नेचुरल जो अपना 50% फॉरेस्ट था वो तो जा चुका, और जो वन थर्ड है उसका वो सूखा है, और जो 70% वाटर बॉडीज है हमारी, वाटर बॉडीज है रिवर वगैरह वो अभी पोल्यूटेड हो गए हैं, और 40% मैनग्रोव्स मतलब जो नदियों के आले दुआले जंगल हैं, नदी के आले दुआले जो दरख्त वगैरह होते हैं उनके साथ जंगल बना होता है वो भी खत्म हो गया. विद अगर कंटिन्यूड हंटिंग एंड ट्रेड ऑफ वाइल्ड एनिमल कमर्शियल वैल्यूएबल प्लांट स्पीशीज हेडिंग, ये सभी मतलब जो हंटिंग शिकार हो रहा है और ट्रेड हो रहा है एनिमल्स का और जो कमर्शियली वैल्यूएबल प्लांट्स का, तो उसकी वजह से ये सभी खतरे के कगार पे जा रहे हैं. ठीक है. और अभी हाँ डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ इज नॉट जस्ट अ बायोलॉजिकल इशू. जो ये खत्म हो रहे हैं फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ, ये एक अकेला बायोलॉजिकल इशू नहीं है. बायोलॉजिकल लॉस जो हमारा बायोलॉजिकल लॉस है वो जो कल्चरल डाइवर्सिटी है उसकी वो भी खत्म हो रही है. और जो ये इसकी जो ये खत्म होने के कारण मार्जिनलाइज और जो जो मार्जिनल पीपल होते हैं जो मतलब रिच नहीं होते, जो मतलब गरीबी गरीब होते हैं, गरीब से ऊपर होते हैं वो और गरीब हो जाते हैं, क्योंकि वो इन पे डिपेंड करते हैं. जो इनकी रेगुलर लाइफ है, जो डेली टू डेली नीड्स हैं उनके लिए, मेडिसिन के लिए अगर वो ही नहीं है तो वो उनका भी करो. और इनमें ये भी है जो वुमेन्स जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है इन चीज़ों से, क्योंकि क्योंकि वो वुमेन सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करती हैं
जो ये फ्यूल के लिए शेयर करने के लिए, और जो मतलब बेसिक जो हमारी जीवन निर्वाह करने के लिए जरूरतें हैं, और वो इसमें उनको कठिन परिश्रम भी करना पड़ता है, और जो वो मोर देन 10 किलोमीटर उनको तुरना पड़ता है इसके लिए, और इस वजह से उनके उनकी जो ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, उनका मतलब उनका नेग्लिजेंस हो जाता है, और चिल्ड्रन की वजह, और सोशल इम्प्लिकेशन भी बढ़ जाता है, और ये सभी जो फैक्टर्स हैं इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ देता है हमारे डिफोरेस्टेशन में, इंक्लूडिंग फ्रूट्स आल्सो, और इस कारण जो हमारा एनवायरनमेंट, जो गरीबी है, इस वजह से भी एनवायरनमेंट का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। गरीबी भी कारण है, गरीबी की वजह से भी जो और जो फॉरेस्ट वाइटल टू द क्वालिटी ऑफ लाइफ एनवायरनमेंट इन द सब कॉन्टिनेंट, इट इज इम्परेटिव टू अडेप्ट द टू साउंड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज। अभी ये अनिवार्य है, अगर हम ऐसे अभी भी ऐसे करते थे तो फॉरेस्ट डिग्रेडेशन ज्यादा होता रहेगा, और ये हमें मतलब ये हम अभी हमारे लिए अनिवार्य है कि जो फॉरेस्ट को कंजर्व करना। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, अभी फॉरेस्ट का संरक्षण करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर और इसके लिए हमें रणनीति बनानी पड़ेगी, या रणनीति कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, जो अभी संरक्षण है जंगलों का और वाइल्ड लाइफ का भी, ये बहुत कैसे हो सकता है जो, हाँ, कंजर्वेशन इज द बैकग्राउंड ऑफ रैपिड डिक्लाइन वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट्री हैज बिकम एसेंशियल। जो संरक्षण है ये बहुत ज़्यादा जो कम हो गई है उसके लिए अभी बहुत ज़्यादा जरूरी है, भी जो हाँ संरक्षण के वजह से, भाई हम संरक्षण क्यों करें, संरक्षण इसलिए जरूरी है क्योंकि जो हमें इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, और अगर जो हमें जो हमारी लाइफ को इजी बनाती हैं चीज़ें, उनका वो जरूरी है, जैसे पानी, पानी हो गया, हवा, मिट्टी, और जो ये सभी कुछ चीज़ें जो हमारी जेनेटिक डाइवर्सिटी के बना के रखती हैं, बेटर ग्रोथ ऑफ स्पीसीज को, एग्रीकल्चर भी स्टिल, जैसे खेती हो गई, इसमें हम अभी भी हम जो ट्रेडिशनल क्रॉप वैराइटीज हैं उन पे डिपेंडेंट है, फिश, अगर फिश कोई खाता तो उसमें भी वो मेन जो हमारी एक्वाटिक बायोडाइवर्सिटी है, जो समुद्री बायोडाइवर्सिटी है, उसमें भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो जो 1960 और 1917 में जो संरक्षण कर रहे थे, उन्होंने एक उनकी वजह से नेचुरल एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो आया, और वो 1972 में इम्प्लीमेंट भी हो गया, ठीक है, और ऑल इंडिया लिस्ट अभी उसमें फिर उन्होंने ये प्रोटेक्टेड स्पीसीज वाला, उसमें प्रोटेक्टेड स्पीसीज को भी एक्ट में ही पब्लिश कर दिया था, ठीक है, और रिमेनिंग थ्रस्ट ऑफ प्रोग्राम वाज टुवर्ड्स प्रोटेक्टिंग रिमेनिंग पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन एंडेंजर्ड स्पीसीज, एंडेंजर्ड स्पीसीज को भी जो अभी है पर अभी खतरे के कगार पे आने वाली हैं, उनको भी बाय उनको जो हंटिंग बैनिंग और गिविंग लीगल प्रोटेक्शन टू देयर हैबिटेट्स, उनका जो निवास स्थान को लीगल प्रोटेक्शन दे दी, और उनका जो ट्रेड है उनको ट्रेड मना कर दिया, और सबसिकली सेंट्रल मैनी स्टेट गवर्नमेंट से नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क बनाई गई, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई, और जहाँ पे मतलब नेचुरल हैबिटेट है जो उनका, और आल्सो नाउन सेवरल प्रोजेक्ट्स फॉर प्रोटेक्टिंग स्पेसिफिक एनिमल विच ग्रेवली थ्रेटेंड। उन्होंने स्पेशल प्रोटेक्शन दी, जो एनिमल थे जो गंभीरता से खत्म होने के कगार पे थे, उसमें टाइगर हो गया, और वन हॉर्न्ड जो गैंडा, गैंडा कहते हैं ना उसे, वो हो गया, हाँ गैंडा, और कश्मीरी स्टैग, हेंगुल, 3 टाइप्स ऑफ क्रोकोडाइल, फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल, घड़ियाल, एशियाटिक लायन, इनको स्पेशल, मोस्ट रेंसली इंडिया ब्लैक बक, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड स्नो लियोपार्ड, फुल पार्शियल लीगल प्रोटेक्शन अगेंस्ट द हंटिंग, शिकार करने से और इनका ट्रेड करने से होल ओवर इंडिया में, ठीक है,
और एक टाइगर था भी जिसमें ना वो उसकी वाइल्ड लाइफ स्पीसीज है जो फाइनल वेब जो एनिमल में एनिमल के जाल में जो टाइगर भी एक वाइल्ड लाइफ स्पीसीज में आती है। और इन्होंने ये इनकी पॉपुलेशन 1827 पे पहुंच गई जो 55,000 में थी एक सेंचुरी के अंदर। इसमें जो इनकी इतनी पॉपुलेशन कम होने का जो थ्रेट था ड्यू टू पोचिंग इनका शिकार करना पोचिंग और श्रिंकिंग हैबिटेट इनका जो निकास स्थान वो कम हो गया इनका जो जो ये शिकार करते हैं वो कम हो गया और जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो बढ़ गई उस वजह से। और जो इनकी स्किन थी और इसकी बोन्स का जो मेडिसन में यूज होता है उसकी वजह से और जो टाइगर की पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा ये लुप्त होने के कगार पे पहुंच गई। तो इन्होंने इंडिया और नेपाल ने ना दोनों ने इंडिया और नेपाल है जो ये दोनों ही दोनों कंट्री ऐसे हैं भी जो इसका नेचुरल हैबिटेट है। टू थर्ड ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड भी यही यहीं पे रहती हैं और ये ही सबसे ज्यादा टारगेट बने पोचिंग और इलीगल ट्रेड करने के लिए। तो प्रोजेक्ट टाइगर इज वेल एस्टैब्लिश वाइल्ड लाइफ कैंपेन इन द वर्ल्ड ये कैंपेन चलाया गया वाई उसमें 1973 में। इसने शुरू में बहुत अच्छा सक्सेस दिखाया 4,002 हो गए 1985 में और 4,334 हो गए 1889 में। बट जो 1993 में इनकी पॉपुलेशन फिर कम हो गई और देर बार अभी 39 टाइगर रिजर्व्स हैं इन इंडिया में और जो कवर कर रहे हैं 32,137.14 किलोमीटर एरिया। टाइगर कंजर्वेशन नॉट ओनली अफेक्ट टू सेव एंडेजर्ड स्पीसीज जिन्होंने एंडेजर्ड स्पीसीज भी किया उनका भी मतलब संरक्षण किया और मीनिंग ऑफ प्रिजर्विंग बायोटाइप साइज विल मैग्नेट। और इसमें अभी कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है जो सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में है और बंदरा नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश में है। सरस्वती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान मानस टाइगर रिजर्व इन आसाम पेरियर टाइगर रिजर्व इन केरला सरसामा ऑफ टाइगर रिजर्व इन इंडिया। जो संरक्षण के प्रोजेक्ट चला रहे हैं हमने भी बायो फोन जो हमारी बायोडायवर्सिटी भी वो रहे संरक्षण रहे भी ये कुछ कंपोनेंट्स पे भी डिपेंड कर रही है। हाँ और जो अभी हमारा जो कंस्ट्रक्शन का मैयर है अभी इसकी जो नाप कर रहे हैं हम अभी अभी हमने संरक्षण में कुछ इंसेक्ट्स भी कर लिए हैं और भी उनका कंजर्वेशन सेक्शन की प्लानिंग की है नीति बनाई है इन द वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 1980 एंड 86 सेवरल हंड्रेड बटरफ्लाइज तितलियां मॉथ्स बीटल्स ड्रैगन हैव एडेड टू लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीसीज में इनको ऐड कर लिया। और इन 1991 को प्लांट्स को भी हमने जो इनकी संरक्षण को के में की 6 स्पीसीज को डाला है। गारियल ऑन ब्रिंग पिजन न्यूज छपी थी न्यूज़पेपर में। गारियल क्या होता है मगरमच्छ घड़ियाल। ये इनकी मतलब पॉपुलेशन काफी ज्यादा कम हुई थी तब। और जो ये डेथ्स हुई है ये क्योंकि पॉपुलेशन जो पोल्यूशन है जो इंडस्ट्री एफ्लुएंट है वो डायरेक्टली जमुना की छोड़ने की वजह से ये बर्ड डेथ्स भी हो गई ठीक है। और अभी हाँ टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। अगर हम अभी अपने अपने जंगलों का संरक्षण कर रहे हैं तो इसको अभी मैनेज करना कंट्रोल करना और नियंत्रण करना इतना इजी प्रोसेस नहीं है। जो आई कई तो खुद मालिक हैं और कुछ मैनेज गवर्नमेंट द्वारा कई किए जा रहे हैं। तो इनको हमने फिर ऐसा किया भी इनको कैटेगरी वाइज क्लासिफाई कर लिया जैसे रिजर्व फॉरेस्ट है जो जो हमारा जो फॉरेस्ट है उसका हाफ जो टोटल फॉरेस्ट लैंड है उसका हाफ हमने उसको रिजर्व में कर दिया जो मोस्ट वैल्यूएबल कंजर्व पोर्शन है। और ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ टोटल फॉरेस्ट प्रोजेक्टेड फॉरेस्ट एरिया डिक्लेयर्ड बाय जो फॉरेस्ट एरिया टोटल है उसको
उसका 1/3 है वो प्रोटेक्टेड एरिया में, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इसको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट मान लिया, और दिस फॉरेस्ट आर इसको हम किसी भी तरीके से कम नहीं, मतलब डिप्लीट नहीं होने देंगे, कम नहीं होने देंगे, अनलेस जो फॉरेस्ट ओपन लैंड में है, फॉरेस्ट बेस्ड लैंड बिलोंगिंग टू बोथ गवर्नमेंट प्राइवेट इंडिविजुअल और ठीक है, और रिजर्व आर प्रोटेक्टेड आर आल्सो रेफर टू परमानेंट फॉरेस्ट एस्टेट्स मेन फॉर प्रोड्यूसिंग टिम्बर अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट रीजन. मध्य प्रदेश एज द लार्जेस्ट एरिया, जो मध्य एमपी स्टेट है इंडिया का, उसमें सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है, उसमें 75% है जो टोटल फॉरेस्ट एरिया, और वो सारा कॉन्स्टिट्यूट परमानेंट फॉरेस्ट में करता है और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में. और जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, ये सब सभी जगह रिजर्व फॉरेस्ट हो गए, और वेर बिहार रहा, ये भी इनको भी अंडर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में रखा गया है, और ऑल नॉर्थन ईस्टर्न शेष पार्ट्स ऑफ गुजरात हैव अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ देयर फॉरेस्ट एंड मैनेज्ड बाय लोकल कम्युनिटीज. लोकल कम्युनिटी भी काफी जो इसमें कॉन्स्टिट्यूट करती हैं जो फॉरेस्ट को रिजर्व करने में. जो कम्युनिटी की वजह से भी जो वहाँ पे लोग रहते हैं उनकी उनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है फॉरेस्ट को कंजर्व करने में, संरक्षण देने में. कई जगह तो ऐसा भी उन्होंने इतना कंजर्व मतलब संरक्षण दिया है, उस वजह से कोई भी वहाँ पे जा नहीं सका और फॉरेस्ट का संरक्षण बड़ा इजी हुआ. कंजर्वेशन ऑफ स्ट्रेटजी जो रणनीति आर नॉट न्यू इन अवर कंट्री, वी ऑफन इग्नोर दैट फॉरेस्ट आर आल्सो सम ऑफ अ ट्रेडिशनल, जो ट्रेडिशनल कम्युनिटीज है वहाँ पे रहने वाले लोग हैं उनकी वजह से वो जबकि वो फाइट करती रही हैं इन चीज़ों से भी, उनके हैबिटेट के लिए विद गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, अभी वहाँ लोगों से जो जो रिसोर्सिस को खत्म करने से, वो अभी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के मिलने के बाद उन्होंने काफी कुछ सिक्योर कर लिया भी लॉन्ग टर्म लिवलीहुड के लिए. और जो सरिस्का टाइगर रिजर्व था राजस्थान में, जो गांव वाले थे बहुत बहुत अच्छे से फाइट किए, अभी जो माइनिंग हो रही थी, माइनिंग बाय जो प्रोटेक्शन एक्ट आने की वजह से उन्होंने बहुत अच्छा फाइट किया, और जो उन्होंने निवास स्थान था एंड उसमें गवर्नमेंट की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, उनकी वजह से जो अभी अलवर डिस्ट्रिक्ट जो 1200 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट है, बैरो देव ओन सेट्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन विच डू नॉट प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ अगेंस्ट एनी आउटसाइड एनक्रोचमेंट. कई जगह तो ना जो ट्राइबल्स हैं ये इनकी पूजा पेड़ पूजा पूजा करते हैं, उस वजह से भी बहुत पूजा की वजह से भी ये काफी अच्छा बेटर प्रोटेक्ट हो रहे हैं. टाइम टू मेमोरियल और मुन्ना संथल छोटा, काफी जगह मतलब पूजा करने की वजह से जो इनकी सोसाइटी की वजह से भी बहुत हुआ है. और एक चिपको मूवमेंट ही आया था, उसमें मतलब ये था कि पेड़ के साथ से चिपक जाओ और किसी को काटने मत दो, ये बहुत इसकी वजह से भी जो हमारा फॉरेस्ट एरिया है वो काफी ये बहुत सक्सेसफुल अटेम्प्ट रहा है, इस वजह से बहुत अच्छा जो फिर ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम शुरू हुआ, उसमें लोकल कम्युनिटीज को हमने इन्वॉल्व किया, और जो फॉरेस्ट की एग्जिस्टेंस ही उसके अच्छे नतीजे भी सामने आए, भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो लोग थे और वो नेचुरल जो वहाँ पे कम्युनिटीज हैं उनकी वजह से रहने की वजह से फॉरेस्टेशन भी हुआ, एफोरेस्टेशन हुआ, और फिर उनको थोड़ा सा उस फॉरेस्ट एरिया में शेयर भी मिलने देना था, मतलब गवर्नमेंट ने कहा भी आप शेयर भी लो उसमें साथ में. तो ये बहुत एनवायरमेंटल डिस्ट्रिक्शन सम काइंड ऑफ नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट होनी चाहिए. और ये इकोनॉमिकली रिवार्डिंग, अगर रिसोर्स को हम कंजर्व करेंगे तो इसलिए हमें
पनीर भी बनाते हैं। और एक मुद्दा जी ने एक चीज कही थी कि अगर हम एक प्लांट एक ऐसा एनिमल है, प्लांट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो हमारे हमें सपोर्ट करता है भी अनलिमिटेड काइंडनेस के साथ और जनरस प्रोडक्ट्स, जो ये हमसे कुछ नहीं मांगता पर ये हमारी लाइफ को, तो इवन ये एक्समैन जो इसको काटता है उसको भी ये छाए देता है, ठीक है।